हेलो गाइस, वेलकम टू लॉकडाउन टेक स्टडी यूट्यूब चैनल। आई एम किरण। सो टुडे इज द टॉपिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट आप कंप्यूटर वर्ड बारे जान लेनी है। एक लैटिन लैंग्वेज तो वर्ड्स का कंप्यूट जिदा मतलब सी कैलकुलेशन करना, गणना करना, हिसाब किताब करना। सो उस तो बनिया कंप्यूटर। जे आप कंप्यूटर नू तीन भागों के डिवाइड करिए तो अपने को कंप्यूटर बनते हैं मैनुअल एरा, मकैनिकल एरा एंड इलैक्ट्रॉनिकल एरा। मैनुअल एरा दे विच आपां मैनुअली काम करते सी, मकैनिकल दे मकैनिकली और इलैक्ट्रॉनिकल दे विच आपां इलैक्ट्रिसिटी दी यूज़ करते सी। फर्स्ट आप मैनुअल एरा बारे पढ़ लैंदे आ। एक कैलकुलेटिंग डिवाइस तो सी बट ये ज़्यादा काम आप मैनुअली करते सी, सो इस करके आप इन्हें मैनुअल एरा दे विच रख्या। तो ये फस्ट आप देख लें अबाकस जी टिम क्रानमर ने जी डिवेलप की 5000 साल पहला की चाइना में यदा इनवेंशन होया। सो ये की काम एक ही करती सी, ओनली एडिशन कर सकती सी जा फिर सबस्ट्रैक्शन कर सकती, मतलब जमा एंड कटाओ ही कर सकती सी। तो ये जी अबाकस कंप्यूटर आ ये ज़्यादातर हूँ भी जड़ा आ जापान, चाइना, मिडल ईस्ट एंड रशिया विच अज दे टाइम विच भी, मॉडर्न टाइम विच भी यूज़ किए जा रहे हैं। सो ये होंगे ने अपने को अबाकस कंप्यूटर। आप इन्हें थोड़ा जहा बड़ी स्क्रीन पर देख लें। देखो इस तरह के होंगे, ये रॉड्स लगिया हुई होंगे आ ते फ्रेम्स लगे हुए होंगे आ। इन की मदद के नाल आप जी प्लस माइनस जी अपनी कर सकते हैं। हुण नैक्सट आप देख लें नैपियर बोनस। हुण ये कंप्यूटर भी इसलिए डिवेलप किया गया सी क्योंकि पिछले कंप्यूटर में आप सिर्फ जमा ते कटाओ ही कर सकते सी, बट ये आप जड़ा ही मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा भी करना शुरू हो गया सी। ते जॉन नैपियर ने डिवेलप किया 16-17 सेंचुरी दे विच। ते इहदी स्क्रीन आप देख लें कि किस तरह का दिसदा आ। इस तरह का यह जिहड़ा नैपियर बोनस जिहड़ा कंप्यूटर हुंदा सी जिहनूं आप मैनुअली ज़्यादातर यूज़ करते सी, सो इस करके आप इहनूं मैनुअल एरा दे विच रख्या आ। सो इस दे नाल आपां कैलकुलेशन कर सकते सी। नैक्सट अपने को आ गया मकैनिकल एरा। हुण इस दे विच की सी मकैनिकली जिहड़ा सी कैलकुलेशनस हुंदियां सीगियां। ते ये जिहड़ा आ कंप्यूटर फस्ट आपां देख लैंदे स्लाइड रोल जिहड़ा सी डिवेलप किया गया, ये भी एक मकैनिकल कैलकुलेटर सी 1620 दे विच इनवेंट किया गया सी। इहदे विच हुण की सी भाग मतलब डिवीजन करनी भी आपां शुरू हो गई सी। ये आप डिवीजन कर सकते सी, मतलब कि जिहड़ा आ दिन बे दिन ये जिहड़ा आ बढ़ते गए कंप्यूटर, तो उन्होंने जी बढ़ोतरी होंगी रही। तो नैक्सट अपने को हैगा पास्कल। ये जिहड़ा ब्लेज पास्कल ने डिवेलप किया 1642 दे विच किया सी, ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस सी। इहदे विच गियर ते व्हील्स लगे हुए होंगे सी जिन्हां दी मदद दे नाल आपां जिहड़ी कैलकुलेशन होर भी ईजी हो गई सीगी। जिहड़े स्लाइड रोल सी उहदे विच थोड़ा औखा हुंदा सी, बट पास्कल दे विच एज कंपेयर टू स्लाइड रूल बहुत ईजी हो गया सी इहदे विच, क्योंकि गेयर ते व्हील्स लगे हुए सीगे जिन्हां दे नाल कैलकुलेशन करनी होर भी आसान हो गई सीगी। सो ये सी अपना पास्कल कंप्यूटर जिहड़ा कि ब्लेज पास्कल ने डिवेलप किया सी, ते इहदे विच कैलकुलेशन करनी होर भी ईजी हो गई सी। हुण नैक्सट कंप्यूटर की दुनिया में होर वाधा होया तो डिफरेंस इंजन ते एनालिटिकल इंजन नाम के दो कंप्यूटर आए जिहड़े कि मकैनिकल सी। ते उन्हां नूं डिवेलप किने कीता सी, रिस्पैक्टेड चार्ल्स बाबज ने किया सीगा। क्यों मैं रिस्पैक्टेड क्यों लिखा, क्योंकि ये फादर ऑफ कंप्यूटर आ, क्योंकि इन्हां ने ही जिहड़ी अज का कंप्यूटर जिहड़ा आ इन्हां दी टैक्नोलॉजी के बेस से ही अज का कंप्यूटर भी चल रहा आ। सो यह सी ये फस्ट जी आटोमैटिक कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्होंने ही डिवेलप की सी। तो फस्ट जी ये आई डिफरेंस इंजन जिहड़ा कि अपने को फस्ट आया। ये देखो ये काफ़ी बड़ा हुंदा सी, इहदे विच जिहड़ा जिहड़ा आटोमैटिक काम हुंदा सी, आटोमैटिक कैलकुलेशन हुंदी सी, आपां नूं मैनुअली जिहड़ा काम नहीं करना पैंदा सी। ते मकैनिकली भी काम बहुत घट गया सी क्योंकि ये आटोमैटिक जिहड़ी कैलकुलेशन डिवाइस सी चार्ल्स बाबज जी ने जिहड़ी डिवेलप की सी। ते सैकेंड जिहड़ी सी 1834 दे विच उन्होंने एनालिटिकल इंजन जिहड़ा सी डिवेलप किया सी। इहदा कैपेबल ये कैपेबल हुंदा सीगा कि कैलकुलेशन जिहड़ी 20 डेसिमल तो 60 जिहड़ी सीगी इह एडिशन जिहड़ी आ पर मिनट दे विच कर दिंदा सी। सो ये इस तरह का हुंदा सीगा। देखो ये भी काफ़ी बड़ा हुंदा सी, बट जिहड़ा डिफरेंस इंजन आ उहदे नालों थोड़ा छोटा हुंदा सीगा।
सो ए सी एनालिटिकल इंजन। सो नेक्स्ट हैगा पंच कार्ड टैबुलेटिंग मशीन। हुण देखो जी तो पूछा जाए कि फर्स्ट पंच कार्ड जिहड़ा है किने यूज़ किया सी, तो आप कहांगे जोसफ जैकवर्ड ने 1880 दे विच किया सी। क्यों उहदी, क्योंकि कपड़िया की फैक्टरी सी, तो कपड़िया के उत्ते जो उन्हें जिहड़े कि कढ़ाई वगैरह करनी हुंदी सीगी तो उन्हों जिहड़े पैटर्न बनाने पैंदे सी, ते उह पैटर्न बनाने लई उन्हें पंच कार्ड यूज़ किया सीगा। तो इस टैक्नीक नूं यूज़ करके हरमन हॉलीरथ ने जिहड़ा आ कंप्यूटर डिवेलप किया सी पंच कार्ड की हैल्प दे नाल। ठीक है, फर्स्ट जे यूज़ किया पंच कार्ड किने जोसफ जैकवर्ड ने, बट जिहड़ा कंप्यूटर दे विच उहनूं यूज़ किया गया, कंप्यूटर विच फस्ट यूज़ किया वो हरमन हॉलीरथ ने जिहड़ा आ पंच कार्ड यूज़ किया गया, जिहदे नाल इह वी एक टैबुलेटिंग मशीन सी। तुसीं स्क्रीन ते देख सकदे हो कि किस तरह की दिखदी सीगी। सो ए सी अपनी पंच कार्ड। सो नैक्सट हैगा इलैक्ट्रॉनिकली एरा जिहड़ा अपना स्टार्ट हो गया सी, उहदे विच की आ मार्क वन जिहड़ा फस्ट आया जिहड़ा कि इलैक्ट्रिसिटी भी यूज़ करता सी ते मकैनिकली भी काम करता सी, बट कैलकुलेटिंग डिवाइस ही सीगी। सो इहनूं जिहड़ा इनवेंशन किया 29 मार्च 1944 दे विच जॉन वॉन न्यूमैन ने किया सीगा, ते इह बहुत ही वड्डे कंप्यूटर हुंदे सी। अगर मैं तुहानूं स्क्रीन दे उत्ते वड्डा करके थोड़ा दिखावां तां देखो इह कंप्यूटर इस तरह दे हुंदे सी जिहड़े पूरे रूम दे विच फिट हो जांदे सी, बहुत वड्डे वड्डे कंप्यूटर हुंदे सीगे, इलैक्ट्रिसिटी बहुत यूज़ करते, मकैनिकली भी ये काम करना पैंता सीगा, तद जाके ये कैलकुलेशन जी पॉसीबल होंगी सी। नैक्सट थोड़ा होर कंप्यूटर वाधा होया तो इनायक कंप्यूटर जिहड़ा अपने को आ। हुण जे इसकी फुल फॉर्म देखिए इलैक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर सी, ये प्रॉपर जिहड़ा डिजिटल कंप्यूटर सी, इहदे विच प्रोग्रामेबल जिहड़ी लैंग्वेज यूज़ की गई सीगी। सो इहदे विच जिहड़ा सी इस तरह का कंप्यूटर दिसदा सी, बहुत वड्डे कंप्यूटर हुंदे सी, बट इलैक्ट्रिसिटी ही यूज़ करदे सी, ना ही मैनुअली ना ही मकैनिकली काम हुंदा सी, बट इहदे विच इलैक्ट्रिसिटी यूज़ हुंदी सीगी। नैक्सट अपने को यूनीवैक आया जिहड़ा यूनीवर्सल आटोमैटिक कंप्यूटर सीगा, ते इह जिहड़ा कंप्यूटर सीगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਓਪਰੇਟਰਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿਨ ਵੇ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। सो फिर अपने को कुछ कंप्यूटर दी जनरेशनस आई हैं जो कि आप नैक्सट वीडियो दे विच पढ़ांगे। सो ए सी अज दी कंप्यूटर दी हिस्टरी, सो आप नैक्सट पढ़ांगे कंप्यूटर जनरेशनस। थैंक यू सो मच। सो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना, नाल ही बैल बटन दे आइकन ते जरूर क्लिक करना, ते पूरी वीडियो देखने लई बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।